इंदौर में बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। इसका जीता जागता मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में नंदा नगर में देर रात देखने को मिला। यहां बदमाश नशे में धुत देर रात एक्टिवा से आते हैं, पंकज शर्मा के घर बियर और शराब की खाली बोतलों से हमला कर देते हैं। हमले में घर की खिड़कियों के कांच फूट जाते हैं। बदमाश आधे घंटे तक पूरी गली में आतंक मचाते रहते हैं। फरियादी पंकज शर्मा ने मीडिया को बताया कि गोलू पंडित, विशाल ठाकुर, सन्नी निगम, इन तीनों लोगों ने आकर मेरे घर पर हमला किया है और लगभग एक वर्ष पहले इन्हीं के साथियों द्वारा मेरे घर पर गोली भी चलाई गई थी। दो साल पहले हुए नंदा नगर में एक हत्याकांड में मेरे बेटे को फंसाया गया था, तभी से इन बदमाशों की रंजिश मेरे बेटे के साथ चली आ रही है। अब जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं, उसी आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रात में 12:30 बजे की घटना है। मेरे घर के बाहर गोलू पंडित, विशाल ठाकुर, सन्नी निगम, ये लोग आए थे और 1:45 बजे मेरे घर के बाहर कम से कम 15-20 बोतलें फेंक के गए। घर के कांच फोड़ दिए इन लोगों ने और पूरे मोहल्ले में आतंक मचाया है यहाँ पे। और परसों के दिन ये प्रशांत मौर्य जो लड़का है, 2 नंबर रोड पर रहता है, इसके पिताजी का नाम है महेंद्र मौर्य। ये लड़के ने परसों के दिन, इसके जन्मदिन है, 54 नंबर में इनने पार्टी दी थी 30-40 लोगों को, और वहीं पे मेरे बच्चे की मर्डर की भी साजिश रच रहे हैं ये लोग। 20 लाख रुपए की जो लड़कों को इनने बात करी है, वो लड़कों ने 20 लाख रुपए की सुपारी लेना कबूल करा है कि भैया हमको 20 लाख की सुपारी दे रहे हैं, और वो बोल रहा है कि इनका मर्डर कर देंगे। तो किस बात को लेकर मर्डर की सुपारी? आज से कम 2 साल पहले मेरे बालक को मर्डर में उलझा दिया था इन लोगों ने। उसका बदला लेने के लिए ये लोग आए दिन रोड पे निकलते हैं, इधर से तो गाली गुप्ता करके निकलते हैंगे। अभी यहाँ पे मंदिर है ये हनुमान जी का, यहाँ पे भी बियर की बोतलें फोड़ फाड़ के गए थे ये लोग, और आए दिन इधर से हमारा शिकायत करी पुलिस में। उस समय शिकायत नहीं करी थी हमने, एक बार घर के बाहर गोली भी चला के गए थे, उस समय भी हमने शिकायत करी थी, आवेदन दिया था इनके नाम पे कि ये लोग घर के बाहर गोली भी चला के गए। आपका नंबर? पंकज शर्मा नाम है मेरा।